वहीं पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में सोमवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से नीचे उतर गई और एक बड़ा हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कांग्रेस के निशाने पर आ गए और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके तहत ही कांग्रेस पार्टी ने नीट परीक्षा के मसले पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, पश्चिम बंगाल में जो रेल हादसा हुआ है जिसमें 17 लोगों की जान चली गई और 40 लोग घायल हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा अपना मानना है कि पिछले साल इसी महीने बालासोर का कांड हुआ था, हादसा हुआ था, 300 लोगों की मौत हुई थी, 900 से ज्यादा घायल हुए थे। अब 20 लोगों की मौत हुई है, करीब 40 लोग अभी तक खबर है कि घायल हुए हैं। एक साल में क्या किया सरकार ने, कैसे रेलवे को सुरक्षित बनाया, क्या किया सुरक्षित बनाने के लिए? मेरा अपना मानना है कि सरकार ने जो रेलवे की सुरक्षा का फंड था उसमें भी एक चौथाई दिया और उसको भी कटलरी और क्रॉकरी और फर्नीचर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। जो डेवलपमेंट फंड होता है उसको 58,000 करोड़ था, 600 करोड़ खर्चा किया। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है? रेल मंत्री नहीं है, रील मंत्री है, रील बनाते हैं, तो रील बनाए जाकर इस पद को छोड़ दें। जिस तरह से रील में उन्होंने सुरक्षा कवच के बारे में दिखाया था, क्या लगता है सुरक्षा कवच क्यों फेल हो चुका है? क्योंकि सुरक्षा कवच एक जुमला था, एक झुंझुना था। सुरक्षा कवच क्यों फेल हो गया ये मुझे बताइए। एक ट्रैक पर दो रेलगाड़ी चलती, एक पे ब्रेक लग जाता है, इस पर क्यों नहीं लगा ब्रेक? आपने रेलवे में 3,12,000 पदों को खाली रखा हुआ है, आपने लोको पायलट में 21% पद खाली रखे हैं, क्यों खाली रखे हैं? यही सब लोग तो सुरक्षित बनाते हैं रेलवे को, यही तो काम करते हैं रेलवे में, क्यों खाली रखे हैं आपने ये सब चीजें? एक सवाल मैं मिस्से अलग लेना चाहूंगा, नीट एग्जाम में जिस तरह धांधली को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? 24 लाख लोगों ने, बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, नीट का पेपर में धांधली हुई, फिर पेपर लीक होने की भी बातें हुई, उनके भविष्य पर असमंजस की स्थिति बनी है। पदभार संभालते ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कोई पेपर नहीं लीक हुआ है, पेपर लीक होने की अब पूरा प्रमाण सामने आने लगा है। जो लोग आरोपी पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं 30-30, 32-32 लाख में पेपर लीक हुआ है, अब क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान? तो मेरा अपना मानना है कि यह सरकार जो विश्वगुरु बनने की बातें करती है, चांद तारे तोड़ने की बातें करती है, अरे एक पेपर तो करा लो पहले, एक पेपर ढंग से होता नहीं है। बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करते हो, 21 साल में लड़कों को रिटायर कर रहे हो, ये क्या तमाशा लगा रखा है सरकार ने? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत जी, जिनका साफ तौर पर कहना था नीट एग्जाम में जिस तरह से धांधली है वो बच्चों और पेरेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एमके न्यूज़ के लिए दिल्ली से।